नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जौनपुर के मड़ियाओं ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ता सृजन कार्यक्रम का आयोजन रविवार को कांग्रेस कमेटी की तरफ से किया गया था। इसमें कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ललितेश त्रिपाठी ने कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यकर्ताओं में जोश व उत्साह भरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अभी से जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे, 2022 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मकसूद खान मौजूद रहे। उन्होंने मांग की कि हाथरस की बेटी को न्याय दिलाया जाए और इसकी CBI जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में कराई जाए। हाथरस जाते वक्त प्रियंका गांधी व राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। वहां के DM को भी बर्खास्त किया जाए। जिलाधिकारी आवास को घेरने पहुंचे इन जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जो